हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जेरो सॉल्यूशनिस्ट। कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल है सभी ज्योग्राफर्स के? आज आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल पे, कि आज हम लोग लाइव टेस्ट करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। पहली बार हम लोग लाइव टेस्ट करने वाले हैं, अभी तक यहाँ नहीं हुआ था। हालांकि ये टेस्ट अनअकैडमी पे किए जा रहे थे, बट मुझे लगा कि ये वाला टेस्ट यहाँ पर करना भी आप लोगों के लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग करेंगे 100, पूरे 100 MCQ करेंगे आज हम लोग ज्योग्राफी के नॉन स्टॉप। और ये बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है। हर एक टॉपिक से पूरी तरीके से बैलेंसिंग बनाया गया है, ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है या कहीं किसी ऐसे सोर्स से नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं, खुद क्रिएट किए हैं आप सभी लोगों के लिए। और इसे आप प्रैक्टिस करके अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप परसों वाले एग्जाम के लिए कितने रेडी हैं, कितने तैयार हैं, कितने तैयार बैठे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, जो टेस्ट की तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आपका UGC नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, PGT का हो, TGT का हो, किसी भी पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, ये लाइव टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाला है आज। तो पूरा वीडियो लास्ट तक अटेंड करिएगा, 100 क्वेश्चन, जोश को बरकरार रखिएगा। 2 घंटे तक क्लास चलेगी, 11:30 बजे इसे हम लोग एंड करेंगे, और बिलीव मी 2 घंटे में मैं पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब मन लगा करके टेस्ट दीजिए। और लास्ट में अपने अपने स्कोर कार्ड को जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपको क्या लगा, आपने टेस्ट दिया, आपको क्या लगा कि आप कितने तैयार हैं, एग्जाम में आप कैसा कर पाएंगे, मेंटल स्टेटस अपना जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ सकें। और अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड, है ना? चलिए आज के सेशन को शुरू कर सकते हैं, करते हैं बेल, बल्कि शुरू कर ही देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोगों के सामने, आज का सबसे पहला गर्मा गर्म क्वेश्चन आपके सामने। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट, ये किसके बारे में है? ये क्वेश्चन देखिए टेम्परेचर से है, ठीक है? ओके, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया। मैं फटाफट, है ना, आपको 30-30 सेकेंड का समय मिलेगा। 30 सेकेंड से, देखिए 30 सेकेंड से 45 सेकेंड का समय आपको मिलेगा, ठीक है? और ये काउंटडाउन जो है ना, मैं बता दिया करूंगा, आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सभी वस्तु में, चाहे वो गर्म हो ठंडी हो, दीप्तिमान ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल सही है, और जितनी ज्यादा ठंडी होगी, इतनी ज्यादा गर्म होगी, उतनी अधिक ऊर्जा का भी उत्सर्जन करती है, और उसका जो उत्सर्जन है वो उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि पहले ऑप्शन का, पहले क्वेश्चन का सही है आंसर सी, ठीक है? चलिए शुभारंभ हो गया सही सही सब लोगों का। देखिए दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी लोगों के सामने।
ओके चलिए, क्या है पृथ्वी? एक पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह सूर्य तप द्वारा लघु तरंगों के रूप में गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। बिल्कुल सही बात है, जो जो इंसुलेशन आता है वो कैसे आता है? विकिरण, है ना, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आता है, शॉर्ट वेव यहाँ लिखा हुआ होगा, और लंबी तरंगों के रूप में वायुमंडल में ऊर्जा का प्रसार करने लगती है, लॉन्ग वेव में करने लगती है। व्याख्या नहीं है लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। व्याख्या नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर टू का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, एल्बिडो। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या है एल्बिडो? फटाफट देखिए, परावर्तित मात्रा को, विकिरण की परावर्तित मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। हाउ मच लाइट दैट हिट्स अ सरफेस इज रिफ्लेक्टेड बैक विदाउट बीइंग अब्सॉर्ब इज आल्सो कॉल्ड एल्बिडो। बिना किसी सतह पर अवशोषित हुए ही जो परावर्तित हो जाती है, और हर सतह का अपना अपना एल्बिडो होता है ना? बिल्कुल बात सही है, कोई डाउट नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, समझ जाइए कि आपका पेपर है जो आपको 12 अक्टूबर को मिलने वाला है, ऐसा ही विजिबल है सबको, सब कुछ विजिबल है, अच्छे से दिख रहा है। चलिए फटाफट, देखो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। ये कह रहा है कि सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कह रहा है कि एयर डेंसिटी इज मिनिमम इन द लोअर टेम्परेचर एटमोस्फियर, बिल्कुल गलत है। निचली जो वायुमंडलीय सतह होती है वहां पर न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम होता है। इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं क्या होता है, एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है, और एयर जो है वो थिन होती चली जाती है, पतली परत होती चली जाती है। यही कारण है कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर का डी हो जाएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन इतना ही बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा करता अगर मैं तो फॉन्ट दिखते नहीं, बहुत बड़े होते और क्वेश्चन में नहीं आ पाते। तो मैंने कोशिश की है कि आपको विजिबल कंटेंट दिखे, इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल सही ममता, बिल्कुल सही। चलो एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक ठंडी हवा का द्रव्यमान गर्म हवा के द्रव्यमान से आगे निकल जाता है और उसके नीचे चला जाता है, इसके विरुद्ध हम जो है हम क्या कह सकते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्लूडेड फ्रंट कहां पर बनते हैं? मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, बेसिकली ऑक्लूडेड फ्रंट से बनने वाले मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स होते हैं, है ना? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि मिड लैटिट्यूड साइक्लोन एक डिफरेंट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑक्लूडेड फ्रंट के बारे में, अधिवृष्ट वाताग्र के बारे में यहां पर बता रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर फाइव का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, फटाफट करते हैं, 100 क्वेश्चन है गाइस, पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, पूरे 100 क्वेश्चंस। समुद्री ध्रुवीय वायु द्रव्यमान वो हैं जो गर्म महासागरों के ऊपर चले हैं, चलते हैं, महासागरों के ऊपर ही वो मूव करते हैं।
और वहां से वो गर्म होते हैं, नमी एकत्रित करते हैं, मॉइस्चर गेन करते हैं। ठीक है, ये वायु राशियां ठंडी, नम और अस्थिर होती हैं, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते, लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते। घड़ी लगा लूं, घड़ी भी देखना पड़ेगा आप लोग को, 2 घंटे में पूरा भी कराना है, प्रैक्टिस भी चाहिए अच्छी वाली, है कि नहीं। चलो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में ही बता रहा है कि वो एयर मासेस कैसे होती हैं और किस तरीके की कंडीशंस क्रिएट करती हैं। अनस्टेबल होती हैं क्योंकि ये कहाँ से आती हैं, ये बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं, है ना, उस रीजन से जहां पर हाई एयर प्रेशर्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 5 प्रमुख वायु द्रव्यमान के क्षेत्र कौन से हैं, 5 मेजर एयर मास रीजंस। कोई PYQ क्वेश्चन नहीं है, एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है इसमें, सारे नए क्वेश्चंस हैं। पांच प्रमुख वायु द्रव्यमान क्षेत्र कौन से हैं, देखिए 5 के 5, there are 5, सभी के सभी हैं, मतलब ये सारे मेंशन किए गए 5, ऑल ऑफ दी अबव, सभी सही हैं। ठीक है, वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशंस हैं, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हैं, रिलेटिवली कोल्ड हाई लेटिट्यूड ओशंस हैं, वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स भी हैं और परमानेंटली आइस कवर्ड रीजन भी हैं। ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक हो गए, और उच्च अक्षांशों में जो बर्फ से ढके महाद्वीप होते हैं, और अपेक्षा के ठंडे अक्षांश महासागर जो है वहां पर, और गर्म रेगिस्तानी प्रदेशों में भी, और उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध महासागरों में भी ये देखने को मिलता है। तो 7 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ऐसा एक क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, यही क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे, यही क्वेश्चन कह रहे थे ना, यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 2018 से। आज आपको बिल्कुल 100 क्वेश्चंस इसी प्रकार से मिलने वाले हैं, सेम पैटर्न पर। अभ्यास करिए, संख्या काफी अधिक है बच्चों की, देखते हैं आज कौन टॉप करता है, किसके कितने करेक्ट होते हैं क्लास के एंड में पता चलेगा। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाइए गाइस। देखो क्या होगा, यहां पर कोरियोलिस प्रभाव पूछ रहा है। तो कोरियोलिस प्रभाव क्या है, कोरियोलिस बल अपने आप में कोई बल नहीं है, बल्कि पृथ्वी की घूर्णन गति का ही एक प्रभाव है। बिल्कुल सही है, किसी भी गतिमान वस्तु पर कोरियोलिस बल प्रभावी हो जाती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। और कोरियोलिस बल अपेक्षिक पथ से क्या करती है, ऑब्जेक्ट को इधर उधर मोड़ देती है, टर्न कर देती है, यानी कि वो क्या करती है कि उसके जो एक्सपेक्टेड पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, उससे डिफ्लेट कर देती है। तो दैट इज वाई क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सब लोग जाग जाएंगे, सबको जगाइए आप सभी लोग, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो लाइक तो कर दीजिए कम से कम, संख्या बल के हिसाब से नहीं आया है लाइक्स। चलिए फटाफट देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। निम्न दाब इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में है ये, एकदम कंबाइंड क्वेश्चन, सारे यूनिट से 100 क्वेश्चन, सारे यूनिट से क्वेश्चन है। चलो देखो इसका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका,
इसमें देखिए ऑल ऑफ द एबव यानी कि डी ऑप्शन, कैसे, क्योंकि ये 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच में है, 0 डिग्री से शुरू होकर के, ठीक है, और वाइडली इनका जो एरिया है 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ के बीच में और 20 डिग्री नॉर्थ से साउथ 20 डिग्री के बीच में वेरी करता है, इसी में ये देखने को मिलते हैं। और यहीं पर आपको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी मिलता है, जो व्यापारिक हवाओं की अभिसरण का क्षेत्र भी है। यहीं पर अत्यंत शांत वायुदाब पेटी डोलड्रम भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। किसकी बात हो रही है, लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। नहीं, सही है सही है सही है गौरव, सही है, वो बिल्कुल सही है। जो भी मेंबर्स हैं उनके मैसेज हाईलाइटेड दिख रहे होंगे, है ना, उनके नाम के आगे स्टार भी होगा, स्टार मेंबर्स हैं इस चैनल के। बिल्कुल चलो, ये क्या है, ये है मेरिडिनल सर्कुलेशन में। मेरिडिनल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, एक हेडली सेल होता है, एक फेरल सेल होता है, एक पोलर सेल होता है ना। जनरली हम इन्हीं तीनों को देखते हैं, ठीक है, जनरली हम इन्हीं तीनों को देखते हैं, पोलर सेल है, फेरल सेल है और हेडली सेल है, राइट। पोलर सेल है, फेरल सेल है और हेडली सेल है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि हेडली सेल को ही ट्रॉपिकल सेल भी कहते हैं, बट ट्रॉपिकल ना होकर के वो एक तरीके से प्योरली हेडली ही कहा जाता है ना। वैसे इसका होना चाहिए 4 1 2 3 4 ऑल होना चाहिए। एक सेकेंड, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, इसका होगा ऑल, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है, ट्रॉपिकल ही है, बट बेसिकली होते हैं तीन ही। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये थोड़ा सा ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गया है, होते हैं तीन ही, कोई तीन यहां से लीजिए, या तो ट्रॉपिकल या तो हेडली, कोई एक। तो हम इन्हीं तीनों को ले लेते हैं जो ज्यादा फेमस है, तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1111। स्लाइट, जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन। स्लाइट एक तरीके का मास मूवमेंट है, जो बेसिकली कैसे देखने को मिलता है, जब भी कोई सामग्री, फिसलन सामग्री से कोई स्थिर सामग्री टूटती है तब फिसलन होता है, ये कह रहा है। जब टॉपल फेल हो जाता है, टॉपल, स्लाइड एंड टॉपल, कुछ लोग ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि वो इस चैनल के मेंबर्स हैं, उन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है। मैं किनारे हूं ना, क्वेश्चन तो विजिबल हैं। देखो इसका जो सही स्टेटमेंट है वो क्या होगा, है ना, बी होगा। दो अलग अलग हैं, स्लाइड और टॉपल हैं, ठीक है। स्लाइड एक अलग चीज होती है और टॉपल एक डिफरेंट चीज है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या हम लोग पीछे चल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे आप लोग भी मेंबर्स हैं, कौन कह रहा है ये बात कि मेंबर्स नहीं, सभी लोग मेंबर्स हैं, सब तो लोग मेंबर है चैनल के। देखिए हिमस्खलन के प्रकार यहां पर पूछा गया आपसे, टाइप्स ऑफ एवलांच, क्या है ये एवलांच है, क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा।
लूज स्नो एवलांच भी होता है, स्लैब भी होता है, पाउडर भी होता है, वेट भी होता है। ये सभी चार प्रकार विशिष्ट प्रकार के एवलांच हैं जो कि किसी भी आपको ग्लेशियर रीजन में या हाईलैंड रीजन में देखने को मिलते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न, चलिए फटाफट वीडियो को शेयर करते जाइए सब लोग, लाइक एंड शेयर, और भी बच्चे क्लास से जुड़े हैं ताकि वो लाइव क्लास से अपनी प्रिपरेशन को सही कर सके। आपके दोस्तों को शेयर करते जाइए, दोस्तों को शेयर करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि दोस्त अगर देख लेंगे तो वो भी आगे निकल जाएंगे। दिल बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा दिल रखिए, ईश्वर सबका कल्याण करते हैं। भूकंप की सतही तरंगों के बारे में, किसके बारे में कह रहा है? सरफेस वेव, सरफेस वेव है ये, किसके बारे में है? सरफेस वेव के बारे में है। क्लास के लास्ट में बताता हूं मैं, ठीक है, क्लास के लास्ट में बताता हूं मैं। चलिए दो दिन दिल बड़ा नहीं करना, अरे कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कह रहा है कि ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड वेव करंट, मतलब कि लंबी अवधि की तरंगे भी कहलाती हैं सतही तरंगे। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये लास्ट में अपीयर होते हैं ना, लो फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है इनमें, एंड दीज वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं और रिकॉर्डेड फर्स्ट नहीं होगा, ये सबसे लास्ट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्योंकि सरफेस वेव कौन से हैं? देखो पी और एस क्या हो गए? बॉडी वेव। तो बचे क्या? आर और एल, ये सरफेस वेव होते हैं। तो सीस्मोग्राफ पे ये सबसे लास्ट में आएंगे, इसलिए 1, 2, 3 करेक्ट होगा, ए ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एग्जाम 12 को ही है गाइस, एडमिट कार्ड आ गया है, मैंने बता दिया था आप लोगों का 12 अक्टूबर को पेपर है। अब तो जाग जाओ हे देवी और देवताओं, अब जाग जाइए, परसों पेपर है भाई, हे भगवान, उठो लाल, अब आंखें खोलो, परसों पेपर है, मुंह धो लो, ठीक है। चलो ऑलराइट, सी पृथ्वी की सतह आइसोसिस्मिक लाइन कहलाती है, जहां पर तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, समान बिंदु को जोड़ने वाली, ये एक आइसो लाइन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ऐसी रेखाएं भूकंप के उपकेंद्रों की पहचान करने में मदद करती हैं, खासकर जहां कोई वाद्य रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, कोई इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड नहीं होता है, उसको ये हेल्प करती हैं रिकॉर्ड करने में, है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट नॉट होगा इसका आंसर, ठीक है, क्या होगा? नॉट होगा करेक्ट आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, टाइप ऑफ वेदरिंग जनरली डोमिनेंट इन ग्रेटर हिमालय, जो वृहद हिमालय है, किस प्रकार का जो अपक्षय है वो देखने को मिलता है? आई विश कि यहाँ पर पोल होता, लेकिन पोल का यूट्यूब पर पोल जो है वो जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 100K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब बनते हैं, है ना। आई विश के होता, बट होगा, जल्दी ही होगा। देखो इसको हम कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। वृहद हिमालय में क्या है? ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ग्लेशियर जब ज्यादा होते हैं, जब वो मूव करते हैं तो क्या होता है, वो साइड वर्ड लेटरल इरोजन करते हैं, इस तरीके से चट्टाने क्या होती हैं, ब्लॉक्स में डिवाइड होती हैं।
तो ये आपको अपर हिमालय में ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कौन सी भूआकृतियां मुख्य रूप से अपक्षय द्वारा बनती हैं? अपक्षय द्वारा बनने वाली भूआकृतियां देखिए कौन से हैं। ये बनते हैं जो एयर एयर यानी कि जो है ना, जो आपका एवलियन जो रीजन है वहां पर देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली ये हनीकॉम एंड टफोनी, ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपक्षय द्वारा निर्मित होती हैं ये, बाकी सारे क्या है, इरोजनल प्रोसेस के थ्रू होते हैं। 17वां प्रश्न देखिए। तुषार प्रक्रिया, हाँ विंड कह लो, एयर कह लो, एवलियन कह लीजिए, सब बात वही है। अच्छी बात है कि सारा जानकारी रखिए, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। अरे और ऑप्शन समझाने का समय नहीं, 100 क्वेश्चन है, रात के 3 बज जाएंगे 100 क्वेश्चन करने में। लाइव टेस्ट का मतलब यही होता है कि हम क्वेश्चंस करेंगे और आंसर्स कवर करेंगे, बस लाइव टेस्ट का ये मतलब होता है ना, नॉर्मल क्लास नहीं है ना। लैंडफॉर्म ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन के कारण बनने वाला कौन सा लैंडफॉर्म है? तो देखिए इसको हम स्क्री स्लोप कहते हैं। स्क्री जो है वो फ्रॉस्ट एक्शन के कारण बनता है, बेसिकली कहां पर, स्पेशली पेरी ग्लेशियर और ग्लेशियर रीजंस में ये बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अभी 80 क्वेश्चन करना है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम लोग पीछे चल रहे हैं अभी बहुत, और तेज चलना होगा। शुष्क स्थानों पर किस प्रकार के अपक्षय प्रक्रिया का प्रभुत्व होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शुष्क स्थानों पर जहां पर ड्राई कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जहां पर ड्राई कंडीशंस होते हैं वहां पर फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग या भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया होती है। कहां पर, जो सेमी एरिड एरिड रीजंस होते हैं वहां पर ही आपको ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बहुत ही जल्दी 1000 लोग आ जाएंगे लाइव, ये आपके कंपटीशन को दिखा रहा है कि कंपटीशन कितना है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, और कंपटीशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है ज्योग्राफी में भी। नई पीढ़ी आ रही है और जो वर्तमान पीढ़ी है उसको कंपटीशन देगी वो, ठीक, खूब जम के तैयारी करिए और इस बार JRF लेकर के जाइए। चट्टानों का गहरा रासायनिक क्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक है। रासायनिक अपक्षय की तीव्रता काफी हद तक पानी की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है, क्या सही होगा? बिल्कुल सही है, रासायनिक अपक्षय में वाटर मॉइस्चर का रोल तो सबसे ज्यादा होता ही है, और चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या है, रासायनिक अपक्षय ही सबसे ज्यादा प्रभावी भी होता है। तो देख लीजिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, सभी करेक्ट हैं, और ए की आर जो है वो ए की सही व्याख्या है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2020 पे हम लोग पहुंच गए। कैमोमाइल टी में आना है अगर, तो आपको रैंक लाना होगा। अगर आपको अन अकेडमी CTW टी में आना है, कैमोमाइल टी पे टॉपर में, तो आपको रैंक लाना होगा, ऑल इंडिया रैंक, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। चलिए एक ब्लॉक पर्वत को हॉस्ट भी कह सकते हैं हम, और भ्रंश के परिणाम स्वरूप बनने वाले भ्रंश घाटी को ग्रैबन भी कहा जाता है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच भूमि का उठना या नीचे जाना हॉस्ट और नीचे जाने को ग्रैबन कहते हैं, बेसिकली हॉर्स एंड ग्रैबन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए ये बता रहा है ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, हॉर्स एंड ग्रैबन्स क्या होते हैं, दोनों के ही बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। इसका मतलब दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान पूर्वक ऑप्शन ABCD यहाँ पर नहीं है, सही तरीके से पोल होता तो मिस्टेक्स यहाँ पर पता चल जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 21
21 देखिए, बिल्कुल सही है। नॉर्वेजियन धारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्वेजियन धारा कह रहा है ये क्या है, एक तरीके से नॉर्वेजियन है ना, तो ये एक रिलेटिवली वार्म करंट है। क्या है? एक वार्म करंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों गोलार्धों में पश्चिम से पूर्व की ओर उच्च अक्षांशों में जो पश्चिमी पवन प्रवाह है वो नहीं चलती है, सिर्फ सदर्न हेमिस्फेयर में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। इसलिए क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ए सही है और दूसरा गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। हाँ जी, CDWT में ज्योग्राफी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू मैं ही करता हूँ, आपने देखा होगा अनअकैडमी पे इंटरव्यू में। आई विल बी द होस्ट, और आप दिल्ली आओगे, मैं खुद आपको इनवाइट करूंगा, ठीक है? आपके आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, सारा कुछ, सब सारा फुल अकोमोडेशन। रैंक लाइए, रैंक रैंक ले आइए, ठीक है? चलो देखो, ये है ओशन करंट, और ओशन करंट में अगर हम बात करें तो अगुलहास जो है साउथ ईस्ट अफ्रीका के पास देखने को मिलेगा, और अगर हम बात करें यहाँ पर मोजाम्बिक की बात करें तो मेडागास्कर के पास, वही इरमिंगर जो है नॉर्थ अटलांटिक में, और कैलिफोर्निया वेस्ट मैक्सिको, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्षैतिज महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से हवा और पानी के घर्षण के कारण उत्पन्न होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं। क्या हैं? फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं। ऊर्ध्वाधर महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से तापमान और लवणता परिवर्तन के कारण घनत्व में अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। क्या होगा इसका? दोनों सही हैं, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल ओशन करंट की बात हो रही है ना, व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कौन सा कारक समुद्र के पानी के तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? देखो ये वाला स्टेटमेंट डाउटफुल है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं लैंड और वाटर का, वो तो अनइक्वल है ना। हाँ कैसे है, 70% नॉर्थ में है और 30% साउथ में है लैंड मासेस, और 30% नॉर्थ में 70% साउथ में वाटर बॉडीज, तो अनइक्वल हुआ, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो डाउटफुल है, गलत कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट। गाइस वीडियो लाइक एंड शेयर करते जाना फटाफट सब लोग। देखिए इसमें क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर हम बात करें इसकी, तो बढ़ती गहराई के साथ तापमान में कमी की दर हर जगह एक समान नहीं होती है, गलत है। हर ओशन में तापमान अलग अलग होता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना, PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा।
26वां प्रश्न, क्या होगा 26वां का सही आंसर? देख लीजिए, इसमें पहली परत की बात हो रही है समुद्र के, जिसका पानी क्या है 300 मीटर तक मोटा होता है और तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सही है, यह परत उष्णकटिबंध में वर्ष भर मौजूद रहती है, लेकिन मध्य अक्षांशों में केवल ग्रीष्मकाल में ही विकसित होती है। यह भी बात बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेन भी है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर कब क्या होता है वो बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, किस समुद्र को महासागरी मरुस्थल कहा जाता है, यानी इसको हम ओशनिक डेजर्ट कहते हैं। किस समुद्र को महासागरी मरुस्थल कहा जाता है? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सार्गेसोसी, है ना। नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में सार्गेसम जो एल्गी है, या है ना, हम उसको हम कह सकते हैं जिस खास प्रकार की स्पीशीज उसकी लवणता को बढ़ा देती है, सार्गेसम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहते हैं, राइट। सार्गेसम एक तरीके का यहाँ पर मरीन, जो सी वीडम कह सकते हैं, उस कारण से है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मोहम्मद आरिफ, प्रयास करिए, प्रयास करिए, पेपर मत छोड़िए, पेपर बहुत दिन बाद हो रहा है, प्रयास करिए। ठीक है, कैसे भी करके एग्जाम दीजिए, है ना, हिम्मत बनाए रखिए। क्या डिफरेंस है बिटवीन रिजेस एंड राइजेस के बीच में, क्या डिफरेंस है? चलिए देखिए क्या सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। रिजेस क्या होते हैं, स्टीप साइडेड होते हैं, और राइजेस क्या होते हैं, जेंटल होते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज की बात हो रही है, और ये जो मिड लैटिट्यूड्स रिजेस है उनकी बात हो रही है। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, आर्कियोपेलिगो क्या होता है, द्वीप समूह क्या होता है? आप सभी लोग हिम्मत बनाए रखें, अपना अपना एग्जाम दीजिए, एग्जाम इतने समय बाद हो रहा है, फिर कब होगा, साल भर बाद होगा, 8 महीने बाद होगा, कुछ नहीं पता है। तो आप सभी लोग पेपर दीजिए, और अपनी अपनी तैयारियों के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से एग्जाम में अपीयर जरूर होइए। चलिए देखिए क्या सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। आर्कियोपेलगो क्या होता है, एक द्वीपों का समूह होता है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब क्या है, ये सब इसी तरीके के हैं। इंडोनेशिया जो आपका बेसिकली अंडमान निकोबार हो गया, सब इसी कैटेगरीज में आते हैं, राइट। सेशेल्स वगैरह भी इसी कैटेगरीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एनर्जी बनाए रखिए, एनर्जी बनाए रखिए, सब लोग पढ़ाई करते रहिए, डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से सारा डर खत्म हो जाएगा। देखो, विभिन्न स्थानों पर महाद्वीपीय ढाल 5 डिग्री से 60 डिग्री के बीच तक होती है। ढाल की बात हो रही है, यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात हो रही है। महाद्वीपीय ढाले महासागरी घाटियों के कुल 45% से अधिक क्षेत्र पर विकसित हैं, या ये पाई जाती हैं, है ना, महासागरी ढाले। स्लोप जो है वो 45% एरिया पर नहीं है बेसिकली, अगर हम बात करें तो। दूसरा वाला गलत है, ये लगभग 8.1% टोटल एरिया कवर करती है ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंट्स ओशंस का, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 8.15% है, अच्छा ठीक। चलिए थैंक यू थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मेगा सिटी बहुत बड़े शहर है जहां पर 10 मिलियन से अधिक आबादी वाली
जनसंख्या आबादी होती है बेसिकली, ठीक है, आबादी होती है। तो एक मेगा सिटी एक एकल महानगरीय क्षेत्र या दो या दो से अधिक महानगरीय क्षेत्र हो सकते हैं जो बेसिकली आपस में अभिसरण करते हैं, कन्वर्जेंस करते हैं, है ना। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही है। मेगा सिटी में 10 मिलियन पॉपुलेशन होती है, 10 मिलियन बोले तो 1 करोड़, है ना, जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, ये इस कैटेगरीज में आते हैं। और ग्रुप ऑफ सिटीज भी होते हैं। सही स्टेटमेंट है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कहाँ गया। ग्रामीण बस्ती जहां से निवासियों की सक्रिय आबादी अन्यत्र रोजगार के लिए आती है वो क्या कहलाती है। देखो यह क्या क्या लाता है, फटाफट इसको भी कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं मैग्नेट सेटलमेंट। क्या कह लेते हैं, मैग्नेट सेटलमेंट, जो अपनी तरफ आकृष्ट करता है बाकी पॉपुलेशंस को ताकि वो वहां पर जाएं, जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, बड़े बड़े शहर इस कैटेगरीज में आते हैं, जालंधर लुधियाना अमृतसर में, है ना, ये सब ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 100 क्वेश्चन होगा आज पूरा, 30 हो गया, 70 क्वेश्चंस और बाकी हैं, अंत तक करेंगे पूरा ताकि आपको पता चल सके कि 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को आपके साथ आपका रिजल्ट कितना साथ देता है, ठीक है। एक अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलेगी, क्लास के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी रहेगा क्लास के एंड में। इन विच रेस्पेक्ट सिटीज प्राइमरली डिफर फ्रॉम विलेज, कौन जो है गांव से भिन्न आपको देखने को मिलता है, गांव से कैसे भिन्न होता है, किस तरीके से होता है, फंक्शनैलिटी के बेस पर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, 75% वर्क फोर्स इंगेज होता है एग्रीकल्चरल में और शहरों में नॉन एग्रीकल्चरल में, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी यानी कि कार्यों के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अमलैंड क्या है, कोई भी पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चंस नए हैं। अमलैंड क्या है, कोई भी एरिया जिसको सर्विंग करता है कोई सर्विस, कोई सेवा किसी भी क्षेत्र के आसपास, वही क्या कहलाता है, अमलैंड कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, 35वां प्रश्न है ये। बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, प्रैक्टिस करिए। 12 तारीख का भूत भगा दूंगा आप लोगों का, जो डर लग रहा है ना वो भाग जाएगा, एकदम छू मंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, नॉट करेक्ट अबाउट एज सिटी, सीमांत शहर, इनको हम सीमांत शहर भी कह सकते हैं, क्या है, सीमांत शहर। तो सीमांत शहरों के बारे में क्या सही कौन सा सही नहीं है कह रहा है, तो सीमांत शहर जो होते हैं उनकी अपनी अलग स्थानीय सरकार होती है सैटेलाइट शहर की, बिल्कुल नहीं। जो सीमांत शहर होते हैं वो मेन शहर से ही क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस लेते भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं का होता है उनके ऊपर, इसलिए यही वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेटलमेंट ज्योग्राफी में है आप लोगों के, ठीक है, एच सिटीज पढ़िएगा, ये क्वेश्चन वहां से है, पूरा राउंड अप होगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है आपके सिलेबस के, हर एक टॉपिक से। तैयारी अगर नहीं तो पेपर दीजिए, क्योंकि हमारे एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में कोई अटेम्प्ट नहीं है,
देर इज नो अटेम्प्ट, क्या है, किसी भी प्रकार का कोई अटेम्प्ट नहीं है कि आपके 3 अटेम्प्ट हैं, 4 अटेम्प्ट हैं, लैप्स हो जाएगा यूपीएससी की तरह, बिल्कुल नहीं। अनलिमिटेड एक्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस, जैसे मेरी क्लासेस यूट्यूब पर है वैसे ही है, एग्जाम दीजिए मत छोड़िए। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार क्या था, बिना गलती किए, फटाफट बता देना आपको कि प्रत्यक्षवाद था, बिना गलती किए पॉजिटिविज्म था। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नींद तो नहीं आ रही है, सो नहीं जाना, कुछ लोग सोने चले गए ये सोच के कि अरे बहुत नींद आ रही है। नींद को हम कहते हैं महामारी, क्या है, महामारी है, एक बार अगर आ गई तो पीछा नहीं छोड़ती है, और स्टूडेंट के लिए तो सच में ये महामारी है। इस महामारी से दूर रहिए तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। भूगोल में मानवतावाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए भूगोल में मानवतावाद क्या कहता है, इट एक्सेप्ट रिडक्शन ऑफ स्पेस एंड प्लेस, बेसिकली यही गलत है, स्थान और उसकी कमी को, ज्यामिति या जो रिडक्शन है मतलब मनुष्य का जो स्थान है उसको जो है कम कर देना, ये गलत बात है। मानवतावाद इसको बढ़ावा देता है ना, इसको प्रमोट करता है, ना कि इसको कम करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन देखकर नींद भाग गई है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपकी नींद उड़ गई है क्वेश्चंस को देख करके, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जाम दे रहे हो, अगर ऐसा है तो हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी है इसलिए आपकी नींद उड़ गई है, आपने बहुत मेहनत किया है इसलिए आपकी नींद उड़ी हुई है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन जो है प्रेस कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको लगातार क्लास के अपडेट मिले। बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे कोई अपडेट नहीं मिलेगा, बस वीडियो आएगा और चला जाएगा, ठीक है। यूट्यूब का एल्गोरिदम ये है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहां पर आपको मिलेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। ओटो श्लूटर, वॉन रिस्थोफेन, ऑस्कर पेस्टर और फ्रेडरिक रेटजेल है, बहुत ही फेमस बुक इन लोगों ने लिखी हुई है, अलग अलग देख लीजिए क्या सही होगा। ओटो स्टूडर का है भूदृश्य का दृश्यमान प्रकरण, रिस्थोफेन का है चीन पर प्रमुख कार्य, है ना, ऑस्कर पेस्टर ने दास आस्थान लिखा हुआ, फ्रेडरिक रेटजेल ने राजनीतिक भूगोल लिखा हुआ है, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम दबा के आप लोग सही मारिए। क्वेश्चन नंबर 39 चलिए फटाफट, बारह के बाद भी क्यों नींद लेना, क्या 12 के बाद पेपर खत्म हो जाएगा, अभी यूपी पीजीटी का पेपर है, यूपी पीजीटी का पेपर है ना, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, ये सारे पेपर्स ही तो हैं, कैसे छोड़ दोगे आप लोग, राजस्थान का पेपर है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, कैसे छोड़ दोगे आप लोग, तैयारियां करते रहिएगा। जैसे इन्होंने तैयारी की थी, 3 महाद्वीप बना दिए थे, यूरोप एशिया और लीबिया विभाजित कर दिया था, पहले व्यक्ति कौन थे, तो ऐसे पहले व्यक्ति थे हेरोडोटस, ठीक है, इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। नील नदी के बारे में बहुत कुछ कहा है कि नील जो है मिस्र जो है नील नदी की देन है, ये सारी बातें, डेल्टा वगैरह भी सब इन्होंने दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 5 क्वेश्चन पीछे हम लोग, बाकी सब सही है। ये बुक है लिमिट्स टू कैपिटल्स, द लिमिट्स टू कैपिटल बुक किसने लिखा है, वेस्ट बंगाल सेट का पेपर भी है, हर एग्जाम में पेपर है, ज्योग्राफी छोड़ने वाली चीज थोड़ी है, ये तो अपना बच्चा है ना, बच्चे को बड़ा करना है, अभी जितना पढ़ेंगे जितना मेहनत करेंगे जितना खिलाएंगे पिलाएंगे बच्चा उतना स्ट्रांग उतना बड़ा होगा, ठीक है, मेहनत नहीं
आप लोग को छोड़ना है करते हैं। पी डेविड हार्वे की लिखी हुई ये बुक है द लिमिट्स टू कैपिटल्स, ठीक है, डेविड हार्वे की लिखी हुई बुक है, बहुत ही फेमस स्कॉलर थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन हाँ, पहला प्यार है, दूसरा प्यार है, तीसरा प्यार है, कोई भी हो प्यार है बस, और किसी से प्यार नहीं, किससे प्यार है, लव है किससे, भाई अपना भूगोल ही है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। उप सहारा कृषि क्षेत्रों के आसपास का क्षेत्र किस पर्यावरणीय समस्या से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, बताइए। मरुस्थलीकरण, यानी कि यहाँ पर बहुत ही तेजी से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज मिलकर के सैंड को दूर दूर तक ले जा रही है, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। फटाफट फटाफट चलिए गाइस, फटाफट 100 क्वेश्चंस में से 42, अभी 48 क्वेश्चंस, 58 क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, किसी की ज्योग्राफी, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी की बॉयफ्रेंड, बस बना के रखिए, इसके साथ रिलेशन अपना अच्छा, यही नौकरी भी देगा, यही जिंदगी भी संवारेगा, आपका सब्जेक्ट, ठीक है, आपका सब्जेक्ट, आपका विषय, आपका जीवन संवार देगा। संबंध अच्छा रखेंगे तो जीवन संवर जाएगा, संबंध अगर खराब हुआ तो जीवन बिखर जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो सेम सेम भाई, हमने तो पीएचडी कर रखी है, अब तो ना ये गर्लफ्रेंड रही ना बॉयफ्रेंड रही, क्या हो गई, अब तो शादी ही हो गई, कंप्लीट रिलेशनशिप डेवलप हो गया, आपको भी करना है, ठीक है, हाँ फुल एकदम। देखिए ये पॉसिबल एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं और इनसे होने वाले परिवर्तन प्रकृति में क्या होते हैं, ये आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। चलो बिल्कुल सही, डी स्टेटमेंट करेक्ट है इसका, वन है ना, वैली जो घाट जो गली इरोजन है वो बेसिकली आपको रन ऑफ के थ्रू देखने को मिलता है, वहीं बाढ़ जब आती है ना नदी में, उसका कारण क्या है कि शहर जो है नदियों में बस गए हैं, इसलिए बाढ़ की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, और क्षरण जो है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो ग्रोएंस हैं वो तट के आसपास जो हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए ग्रोइंस का, ये क्या करते हैं कि सरफेस कोस्टल एरिया में इरोजन को रोकते हैं, और ओवर ग्रेजिंग जो है वो डिजर्टिफिकेशन का एक बड़ा कारण है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 42 हो गया, 43 नंबर क्वेश्चन, 43, बहुत अच्छे, हाफ ऑफ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट। बिल्कुल सही, लाइफ टाइम पार्टनर बना लेना है आप लोग को भी। हाँ वही वही मैंने कहा, पर्यावरण में संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था जब, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो उस वक्त सरकार में कौन थे, मतलब कौन प्रधानमंत्री थे या किस तरीके के पद होती है, तो उस टाइम पे देखिए स्वर्गीय लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी थे। कब आया था ये, 1986 में आया था, ईपीए कहते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। भूगोल विषय के साथ अटैचमेंट कुछ ऐसा हो गया है कि राज मूवी का एक गाना अक्सर याद आता है कि जो मेरी रूह को
चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। यानी कि भूगोल अपनी जिंदगी बन चुकी है, कुछ ऐसी फीलिंग आती है इसके साथ। आपको भी आती है क्या? शहरी उष्मा द्वीपों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है कौन सा है, वो ये कह रहा है। कौन सा नहीं है? हवा क्या होनी चाहिए? शांत होनी चाहिए। अगर हवा तेज चलेगा तो जो डोम है यानी कि जो हीट आइलैंड है वो बन नहीं पाएगा, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। अच्छा किसी और मूवी का है क्या? बताएं, भूल जाता है, गाना याद है। कसूर मूवी का है सर। ये सारा YouTube का एल्गोरिदम है, ऐड आ रहा होगा आप लोग को, सारा YouTube का एल्गोरिदम है ना, YouTube कर रहा है ऐसा, क्योंकि वो उसका इनकम, भाई वो कहाँ से कमाएगा, उसको भी तो अर्निंग करनी है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था, तो कितना कम करना था ये देखिए, 2012 तक ले आना था ना 1990 के स्तर को, और 5% तक की कमी करनी थी, तब जाकर के ये हो पाता संभव। इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। चलिए चलिए, फटाफट, कुछ लोग को नींद आ रही है तो कुछ लोग निकल लिए है ना। चलिए फटाफट करते हैं। रेखा जिन बिंदुओं को मिलाती है, जहां जैसे कि मतलब हम सेम टाइम अगर ट्रेवलिंग का लगता है तो उसे हम क्या नाम से बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं आइसोक्रोन। ठीक है, क्रोन क्रोनोलॉजी टाइम से रिलेटेड है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। देखिए क्या सही ऑप्शन होगा इसका? इसका सही है, दोनों करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं है, स्थलाकृतिक मानचित्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दोनों सही है बट व्याख्या नहीं होगा, है ना। क्या है? दोनों सही है बट इसकी व्याख्या नहीं होगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। रिमोट सेंसिंग, गया। रिमोट सेंसिंग क्या है? पृथ्वी के अवलोकन करने की, हम क्या करते हैं बेसिकली, विदाउट बीइंग कांटेक्ट फिजिकली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिमोट सेंसिंग इज आल्सो नोन एज द अर्थ ऑब्जर्वेशन, है ना, नॉट एक्सप्लेनेशन, बट बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं है कहीं से भी। 49, 49, हाफ ऑफ वी हैव डन।
नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सही है, सभी के सभी सही सुमेलित हैं। नैनोमीटर 10⁻¹, माइक्रोमीटर 10⁻⁶, सेंटीमीटर 10⁻², ऑल ऑफ देम करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50। बस 5 मिनट हम लोग देरी से हैं, शायद टाइम पर है, 5 मिनट बिल्कुल टाइम पर है। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन हो गए, 60 मिनट में और 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 2 घंटे आप लोग को बैठना है 12 तारीख को, उसकी प्रैक्टिस आज और कल 2 दिन करवानी है मुझे आप लोगों को। बहुत बहुत रात तो नहीं हो गई है, दिन में क्लास करनी चाहिए क्या ये वाली? चलिए देखते हैं, प्रयास किया जाएगा। 50 देखिए क्या हो जाएगा, गामा रेज, ए ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, बिल्कुल सही, गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, पराबैंगनी दृश्यमान, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आप लोगों को ऐसा ही लाइव टेस्ट करवाया गया है अन अकेडमी पे, ऐसा ही लाइव टेस्ट करवाया गया है स्पेशल क्लासेस में, बिल्कुल ऐसा ही मैराथन जियोग्राफी लाइव टेस्ट करवाया गया है, आप अन अकेडमी पे जाकर के भी कर सकते हो, 2 दिन का समय है ना, बहुत सारा लाइव टेस्ट करवाया गया है ऐसा ही 100 100 क्वेश्चन के, अब जाके कर लीजिए वहां पर। इसके अलावा नए बैच कोर्सेज मेरे आ गए, अगले एग्जाम के लिए भी आ चुके हैं, तो आपकी तैयारी फटाफट यहां पर हो सकती है, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, पेपर वन पेपर टू दोनों एक ही सब्सक्रिप्शन में। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 उपग्रह के बारे में है। एसर्शन रीजन देखिए तभी सही होगा जब आप थोड़ा इनडेप्थ नॉलेज रखेंगे सब्जेक्ट का। पहले ये देखिए ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत, पहले ये पता करिए, उसके बाद आइए देखिए क्या सही गलत का स्टेटमेंट है। क्या बात है, हम लोग 51 तक पहुंच गए, बहुत अच्छे टाइम मैनेजमेंट इसको कहते हैं, बिल्कुल सही है, सूर्य तुल्यकालिक है, ध्रुव से ध्रुव सूर्य तुल्यकालिक होता है, 600 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी होता है, ठीक है, सही स्टेटमेंट हो जाएगा, राउंड फिगर इसका सही स्टेटमेंट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। थ्री हंड्रेड के ऊपर कोई भी वैल्यू है मान लीजिएगा सही है, ठीक है, 300 के ऊपर सन सिंक्रोनस में आ जाए मान लीजिएगा सही है, 3 4 5 6 7 भी आ जाए तो मानना सही है। चलो फटाफट सब लोग, देखो फटाफट, अरे मुझे नींद नहीं आ रही, मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को नींद कैसे आ सकती है, एग्जाम टाइम है ना, पढ़ो 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 पढ़ो। देखो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, स्पेक्ट्रल बैंड की बात हो रही है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन रेफर्स टू हाउ मेनी बैंड्स, स्पेक्ट्रल में क्या होता है, हाउ मेनी बैंड्स, कलर बैंड्स, जैसे RGB ये कलर बैंड्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू RGB, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज कंटेन ओनली वन बैंड, जबकि विजिबल रेंज में कलर जो होते हैं वो 3 बैंड मिनिमम जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सप्लेन कर रहा है। 53 नंबर देखिए,
51 का आंसर बताया तो, 51 का आंसर सही होगा, सही है ए, सही है, 600 से 1000 सही है, एकदम सही है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो देखो 52 का हो गया, तो 53 देख लीजिए, वर्ण कालिक वर्ण क्रम से क्या तात्पर्य है, बेसिकली ये टाइम देखता है बिटवीन टू इमेजेस, जैसे पहला इमेज अगर 1971 में लिया गया और दूसरा इमेज 2011 में, तो ये टाइम ड्यूरेशन होगा, इसी को हम कहते हैं टेम्पोरल, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, अब ये देखिए सारे दूर संवेदी उपग्रह हैं, क्या सही आंसर होगा इसका, बी स्टेटमेंट, मीटियोसैट 77 में, रिसोर्स सेट 2003, कार्टोसैट 2005, इकोनॉस 1999, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, चलिए फटाफट करते हैं। अच्छा वहां पर क्या है कि 1 घंटे से ज्यादा आप क्लास नहीं कर सकते हैं अकेडमी पे, ये भी प्रॉब्लम है, वहां पर 60 मिनट से अधिक क्लास नहीं हो पाती है, तो जो फ्री स्टूडेंट होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर करवाया लाइव टेस्ट, ठीक है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कब स्टैब्लिश हुआ था, 1974 में, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, 1974 में स्टैब्लिश था, बाद में इसको एनआरएसए बना दिया गया सितंबर 1, 2008 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56, आप लोग डेटा बचा के रखिएगा, अपना दिन का डेटा बचा करके रखिएगा, ठीक है, डेटा पूरा खर्च मत कर देना। देखो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, 570 मिलियन अप्रोक्सीमेटली माना जाता है अरावली रेंज की जो अनुमानित आयु है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, बट मेजोरिटी ऑफ इसी को मानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, फिफ्टी फाइव का जो आंसर था वो था आपका सी, पूजा माहेश्वरी, नहीं, 74, 55 सही है, वो दूसरा होगा कुछ, देख लो कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच है, पेयर पेयर को मैच कराना है, तो कार्डमम हिल जो है ना वो कोरोमंडल कोस्ट ना होकर के मालाबार कोस्ट की तरफ देखोगे आप, या इंटरनल, अगर हम वेस्टर्न घाट को देखें तो इंटरनली है, यहाँ पर है ये को कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो राजमहल सही है, महादेव सही है, मिकीर सही है, सिर्फ और सिर्फ एक जो है गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी 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 ऑप्शन करेक्ट होगा, कोरोमंडल कोस्ट तो यहाँ हो गया ना, कोरोमंडल कोस्ट आपका ये हो गया, मालाबार कोस्ट हो गया, और कार्डमम हिल्स कहाँ है, यहाँ पर है, ये है कार्डमम हिल्स, केरला तमिलनाडु के बीच में, सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, मालाबार कोस्ट वेस्टर्न घाट में है, क्वेश्चन नंबर 58।
चलिए, अपनी स्पीड बहुत अच्छी है। कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है? माउंटेन पास कौन सा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है? देखो, बनिहाल पास है, बुर्जिल पास है, शिपकीला हिमाचल में है, खारडुंगला अब लद्दाख में पहुंच गया है, और बचा जोजीला, तो ये हो जाएगा यानी कि 1 2 5 हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। 1 2 5 3 4 शिपकीला हिमाचल और खारडुंगला लद्दाख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 9। चलिए, क्या कह रहा है कि ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ऊंचाई के अवरोही क्रम में देखिए, ए ऑप्शन होगा, अवरोही मतलब घटते हुए, सबसे ऊंचा कौन है? K2 है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत है, फिर नंदा देवी है, फिर कामत आता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। हाइट देखेंगे इनकी, कामत देखिए 7756, K2 8611, नंदा देवी 7818 और नंगा पर्वत 8126 मीटर है। इंडिया का हाईएस्ट कौन है? K2 काराकोरम द्वितीय गार्ड विन आस्टिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, मेंबरशिप में एड फ्री कंटेंट होता है यूट्यूब का, यहाँ पर यूट्यूब एड चलाती है, वहां पर फ्री होता है, इंसेंस की एड वैड नहीं आएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 1960 में किया गया था। इसके तहत भारत को पाकिस्तान को 80% और भारत को 20% जल जो है वो मिलता है, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, रावी नदी का उद्गम, रिवर रावी कहां से ओरिजिनेट होती है? चार ऑप्शन है आपके सामने। हाँ, 20% रावी नदी का उद्गम, देख लीजिए 20% वाटर का इस्तेमाल करता है। रोहतांग पास के पास है ना, कुल्लू में है रोहतांग पास के पास, तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश मान लीजिए, है ना, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देख लीजिए, क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की दो सहायक नदियां हैं धनसिरी और तिस्ता, बराक नदी इंडिविजुअल रिवर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, गलती हो गया बहुत लोगों से, बराक अलग रिवर है। बराक रिवर क्या है ना, नागालैंड मिजोरम से निकलती है बाउंड्री से, ठीक
और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बांग्लादेश में इंटर करती है, अलग अलग नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, चलो 63 देखो, उसके बारे में बताऊंगा आप लोग को शॉर्ट में कभी किसी दिन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित बिजली उत्पादन सेट में से कौन सा है? उकाई परियोजना के नाम से इसको हम जानते हैं, है ना? ये क्या है, एक तरीके से गुजरात में देखिए बहुत सारे डैम बने हैं, उसमें से एक ये भी है उकाई का। उकाई बेसिकली ताप्ती रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, तापी रिवर की। ठीक है, इसे हम वल्लभ सागर के नाम से भी जानते हैं, जो 1972 में कंस्ट्रक्शन भी इसका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आप सभी लोग, गुड गुड, बहुत अच्छे स्पीड है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, भारत दक्षिणी पश्चिमी मानसून तिब्बती पठार के ऊपर तीव्र निम्न दाब प्रणाली के कारण बनता है। उत्तर पूर्वी मानसून तिब्बती और साइबेरियाई पठारों पर उच्च दबाव कोशिकाओं से जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट यहां पर है ना, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात कर रहा है और ये साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहा है। स्पष्ट रूप से बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिना किसी डाउट के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 बिल्कुल ठीक, 35 क्वेश्चन और रहते हैं, बोले तो आधे घंटे और, नींद उड़ गया ना? बस बस बहुत अच्छे, सेम ईयर सेम ईयर। भारत में सर्दियों के मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों नहीं होता है, बताइए? अब एग्जाम दे लीजिए आशीष, एग्जाम दे लीजिए अब। ठीक है, एग्जाम दे लीजिए, आप लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं ताकि आपका मोटिवेशन बन जाए, बूस्टअप हो जाओ आप सभी लोग। देखो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा क्या, 1 2 4, 1 2 एंड 4, तिब्बत पर अगर मजबूत निम्न दाब बना होगा पहले से ही, तो दक्षिण पश्चिम मानसून होगा कहाँ पर वो, है ना? ड्यूरिंग विंटर सदर्न ब्रांच जो है कहाँ चला जाता है, साउथ ऑफ द हिमालय चला जाता है। और इसके अलावा जो जेट है यहाँ पर नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया का, ये बेसिकली डाइवर्जेंस दिखाने लगता है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन बन जाता है, और ऑलरेडी लो प्रेशर ना होकर के हाई प्रेशर बन जाता है तिब्बत के पास, और ITC जेट इंडिया चला जाता है। तो ये तीन वाला नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तीन को इलिमिनेट कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत मत करिए। गाइज आप में से जितने भी लोगों ने मेंबरशिप लेने के लिए पेमेंट वगैरह किया था मुझे, अगर आपका नहीं हो पाया है तो अपना डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आप सभी लोग, ताकि आपका रिफंड हो जाए पैसा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग को मिल जाएगा, जिन लोगों ने भी मुझे पेमेंट कर दिया था पर्सनली। ठीक है ना, तो अपना अपना रिफंड ले लीजिए गाइज, जिसका भी नहीं मिल पाया है ना, ध्यान से भूल ना मत जाइएगा। देखो 21 से 51 के बीच की अवधि को भारत में जनसंख्या के तेजी से विकास की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान जन्म दर उच्च बनी रही, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जाने लगी, क्या हो जाएगा? 21 से 51 के बीच में तेजी से विकास नहीं था, बल्कि 51 से 71 के बीच में था, 1951 से 1971
81 कह लीजिए, 81 तक था। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज था इंडिया का। 21 में तो माइनस में गया था ना, 0.-0.03 करके था। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए असत्य है, आर सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 अब आ गया, सेंसस। दिमाग की बत्ती जल जाएगी आप लोग की। स्टीडी ग्रोथ फ्रेज था वो, बिल्कुल सही कहा। देखो साइबेरियन प्लेटू एक हायर प्रेशर रीजन है दादा, है ना। तो हायर प्रेशर रीजन बेसिकली एक तो हिमालय है बीच में, तो हिमालय के कारण कुछ खास इफेक्ट तो नहीं करता है, बट यस हाई प्रेशर जोन तो है वो। चलिए देखिए 67 देख लीजिए क्या हो जाएगा। जनसंख्या के आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में करना है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा। हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब और आसाम देख लीजिए, है ना। हरियाणा 2.5 ठीक है, कम है, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा, पंजाब थोड़ा ज़्यादा है 2.7, और आसाम 3.1 करोड़ है। ये सब सीआर में है ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। सी क्यों कर रहे हो सब लोग, क्या कह रहा है ये, असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है ना। उठो लाल आंखें खोलो, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग करता तब उधर जाते आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो 68। सेंसस पढ़ लेना, सेंसस पढ़ लेना। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या हो जाएगा इसका। पूछ क्या रहा है, लिंगानुपात ना, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, पुदुचेरी, गोवा, अरुणाचल और नागालैंड देख लीजिए। पुदुचेरी में कितना है, 1037 है, गोवा में कितना है, 973 है, और अरुणाचल में 938 है, वही नागालैंड में 931 है। तो यही है आपका कौन सा, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 सेंसस पढ़ लीजिए, सेंसस से क्वेश्चंस आते हैं आएंगे। नहीं, करण करण उसका बराक रिवर नहीं होगा, है ना, मुझे उसमें करेक्शन करना है, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था ठीक है। बराक रिवर आगे जा करके बांग्लादेश में मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा से, उसके पहले कई सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज, वो एक इंडिविजुअल पूरा स्ट्रीम है ना। चलो मैं बता दूंगा किसी दिन एक अच्छा सा वीडियो बना करके, देख लीजिए। दशकीय विकास दर की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत के बराबर है, तो पहले तो आपको राष्ट्रीय औसत पता होना चाहिए, 17.17 कर लीजिए या 6 कर लीजिए परसेंट है ये इंडिया का, दशकीय वृद्धि है 2001 से 11 के बीच का। देखिए चंडीगढ़ हो जाएगा, आसाम हो जाएगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए चंडीगढ़ है 17.19, आसाम है 17.07, तमिलनाडु 15.61 और महाराष्ट्र 15.77। तो इंडिया का कितना है, 17.6, तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 70।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ दशकीय वृद्धि दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दशकीय वृद्धि दर को अवरोही बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो क्या सही ऑप्शन होगा इसका। सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ गया, बी हो जाएगा। अवरोही क्रम में देखो तो छत्तीसगढ़, झारखंड, असम और पंजाब हो जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो हम देख लीजिए ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में छत्तीसगढ़ का 22.61 था, झारखंड का 22.42, असम 17.07 और पंजाब 13, मतलब काफी कम था। छत्तीसगढ़ झारखंड तो भाई +20 में पहुंच गए हैं, 71। हाँ 2011 का ही तो आएगा, अभी नया वाला डेटा देखिए, सेंसस का भी डेटा नया नहीं आया है ना, तो 2011 वाला ही आपसे पूछा जाएगा ना, जाहिर सी बात है। देखिए विस्थापन की परिकल्पना जो थी वो किसकी थी, जब यहाँ पर बात परिकल्पना की हो तो आप किसको चूज करेंगे, एफ बी टेलर को, फ्रैंक बर्सले टेलर, एफ बी टेलर, फ्रैंक बर्सले टेलर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। पैंजिया का विखंडन कब टूटना शुरू हुआ था, टू हंड्रेड मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 200 मिलियन ईयर एगो। पैंजिया क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो टूटा तो क्या बना, पैंजिया के टूटने से बन गया यूरेशिया या लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 73 देखिए। हाँ चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, नींद आ रही हो तो आंख मुंह धुल करके बैठ जाइए। मुक्त पृष्ठ की बात हो रही है, स्लोप के एलिमेंट है, क्या है, स्लोप के एलिमेंट है। तो स्लोप के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो कहाँ गया भाई, रेक्टिलिनियर की बात हो रही है, तो रेक्टिलिनियर तत्व एक मलबे के कारण नहीं, कई बार क्या बनता है, इरोजन के कारण भी, अपरदन के कारण भी बनता है। जैसे अगर हम स्लोप को देखें, इस तरीके का स्लोप होता है, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये रेक्टिलिनियर होता है, ठीक है, ये फ्री फेस होता है, एक कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ए सत्य है, आर असत्य है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74।
अनाउंसमेंट कर देंगे, अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं, डोंट वरी, आप लोग आराम से सोइएगा, क्लास हो जाएगा तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। इट्स ओके अभिषेक, इट्स ओके, टेक केयर। चलिए कल का डेटा बचा के रखिएगा, है ना, रील्स और शॉर्ट्स मत देखने बैठ जाना, ठीक है, पूरा डेटा खत्म कर दिए, बचा के रखना, कल भी लाइव टेस्ट होगा, मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले चरण के अनुसार परिवहन, वाणिज्य, बैंकिंग और बीमा से युक्त तृतीय क्षेत्र तो सबसे कम विकसित होते हैं। अगर हम किसकी बात करें, हम बात करें अगर पहले चरण के, तो बहुत कम होता है ना, ये तो इनिशियल स्टेज होता है, सही है। ये सभी कारक कम आय और जनसंख्या की गरीबी के लिए जिम्मेदार है, इसलिए प्रजनन दर काफी अधिक होती है। बिल्कुल सही है, ए ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये कारण है, इसलिए फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। 75 एग्जाम ऑनलाइन है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, पिछले 2018 दिसंबर से हो रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, 4 साल हो गया। डेविस की तिकड़ी, ट्रायो ऑफ डेविस कौन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी वीडियो बन जाएगा निशा, यस वीडियो बन जाएगा। संरचना, प्रक्रिया और समय, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम होगा, यानी कि 1 2 3 होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन को हटाइए, गोली मारिए और बाकी सबको इंक्लूड करिए, ए ऑप्शन। आपका एग्जाम परसों है ना, तो कल वीडियो बन जाएगा एडमिट कार्ड पे, कि एडमिट कार्ड के साथ साथ खुद को भी ले जाना है और खुद के साथ और क्या क्या ले जाना है, ठीक है, सारा बताऊंगा मैं। चलिए, पेंक ने उत्थान से पहले के जो परिदृश्य थे, लैंडफॉर्म्स था, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया, सब बता दूंगा मैं आप लोग को, डोंट वरी, अभी का टेस्ट हो जाने दीजिए, मैं सब बता दूंगा, पहले यहां फोकस करिए, बात की बात है, यहां फोकस करो फटाफट। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है, इसको प्राइमा रंफ कहा, इनिशियल टोपोग्राफी को क्या कहा, प्राइमा रंफ कहा, बाकी ये तीनों तो क्या है, इनके स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 77, बिफोर प्राइमा रंफ और लास्ट में क्या रहेगा, इंड रंफ रहेगा, बिल्कुल सही। संकेंद्रीय मॉडल किसका मॉडल है, ये बेसिकली है अर्बन लैंड यूज का मॉडल, इसको किसने दिया था, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, ईडब्ल्यू बर्गेस ने दिया था 1925 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए,
केंद्रीय व्यापार जिले के बारे में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय व्यापार जिला, यह एक इनर मोस्ट जोन होता है जहां पर हाईएस्ट लैंड वैल्यू होती है। इट हैज अ टेरिटरी टर्शरी एक्टिविटीज एंड अर्न मैक्सिमम इनकम। हाईएस्ट लैंड वैल्यू है तो इनकम भी सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द समटाइम डाउन टाउन और हार्ट ऑफ दिस जोन, सेंट्रल रीजन होता है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाउन टाउन या सीबीडी बोलते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए। आज रात को अच्छी नींद आएगी, नहीं आनी भी चाहिए। माल्थस आर्ग्यूड दैट द फूड सप्लाई इंक्रीजेस इन एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। माल्थस ने तर्क दिया कि खाद्य आपूर्ति एक ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है, मतलब ज्यामितीय स्वरूप में बढ़ती है, और माल्थस का मानना था कि दुनिया की आबादी अंकगणितीय प्रगति से फैलती है। अच्छा जी, बिना पढ़े आंसर तुक्का आज ही सारा लगा डालोगे, कुछ तुक्का बचा के रखो एग्जाम के लिए। 12 को पेपर है, तुक्का वहां लगा रहा, आज तो पढ़ के आंसर दो कम से कम। दोनों गलत स्टेटमेंट, अपोजिट हो गया, इसको इधर रखना था, इसको इधर रखना था। अंक गणितीय रूप से नहीं फैलती आबादी, आबादी तो जियोमेट्रिकली प्रोग्रेशन है। अंक गणितीय रूप से तो खाना, फूड प्रोग्रेशन होता है, धीरे धीरे बढ़ता है रिसोर्सेस। तो क्या है, न तो ए न तो आर, दोनों ही क्या है, गलत है, डी ऑप्शन होगा। तुक्का लगाओ लेकिन आज नहीं, 2 दिन बाद, आज पढ़ करके आंसर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 80, कॉपी पेस्ट मत करो सब लोग यहां पर। हाँ नहीं, अच्छा, बढ़िया बढ़िया, गुड 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 गुड। चलो बस पहुंच गए, 20 क्वेश्चन और है। अच्छा सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो लोग ज्वाइन नहीं किए अभी तक, ठीक है? टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नेट जे आर एफ सॉल्यूशनिस्ट वो भी है, सेम नेट जे आर एफ सॉल्यूशनिस्ट, ठीक है? आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जनसंख्या का नियम यानी कि लॉ ऑफ पॉपुलेशन, ये किसकी लिखी हुई, मतलब कब आया था? ये आया था 1830 में आया था, और ये किसने लिखा हुआ है, ये सैडलर का है, ठीक है? बड़े सैड व्यक्ति थे इसलिए इन्होंने, सैडलर ने लिख दिया है ना, ये मतलब एक तरीके से कॉन्ट्ररी थे, कॉन्ट्ररी क्या, एक तरीके से कंटेम्प्रेरी ही कहे जाएंगे, लेकिन थॉट इनका बहुत अलग था है ना, माल्थस से बहुत अलग था थॉट इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, घुमा घुमा करके पूछता है यहां से, विटलसी का मॉडल। सब हो जाएगा मुकेश, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल, मेहनत बनाए रखिए, खुद के ऊपर भरोसा, मेहनत के ऊपर भरोसा, सब हो जाएगा। पोल अभी यहां नहीं आ पाएगा, 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप लोग, ठीक है? तब जाकर के पोल यहाँ पर आएगा। शेयर कर दिया करिए वीडियो, तभी तो आएंगे लोग, तभी तो चैनल को थोड़ा सा आप लोग प्रमोट करोगे ना, तो इधर भी काम आगे बढ़ेगा है ना, और अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे और चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ग्रोथ हर तरफ होना चाहिए ना, दोनों तरफ से। ये बेस था, ये आधार था, इसी आधार पर विटलसी ने 13 क्या था, 13 एग्रीकल्चर डिवीजन में वर्ल्ड को डिवाइड किया था। तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी डी, सब इन्होंने लाइव स्टॉक, क्रॉप एसोसिएशन, इसके अलावा जो मेथड्स का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से कंजम्पशन होता है पूरी दुनिया में, और किस तरीके से फार्मिंग प्रैक्टिसेस किए गए हैं, इन सब को इंक्लूड किया था, और तब जाकर के 13 जोन में डिवाइड किया था। चलिए नंबर 82 आगे बढ़ते हैं हम।
बिल्कुल सही आंसर, 13, 1936, बिल्कुल सही, होल वर्ल्ड 13, सत्य वचन सत्य वचन। मुख्य कृषि उत्पाद यहाँ का क्यों है, क्या तो है आपको पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है बेसिकली जो हम इनको मान सकते हैं पोर्क इंडस्ट्री है ना, सुअर जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर मीट का प्रचलन बहुत ज्यादा है स्पेशली, तो मेज खिलाया जाता है उनको, कोर्स ग्रेन है मक्का, मोटा अनाज है, इसलिए वो खाकर खूब मोटा हो जाता है और फिर उसको ले जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83। हाँ बिल्कुल सही, एनिमल इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अरे एकदम एकदम पकड़ लिया आप तो, मक्का भी आ गया चैट बॉक्स में। अरे गजब गजब, सीजन भी चल रहा होगा मक्के का तो इंडिया में। डायरेक्ट खेत से ही आ गया। कौन सा देश वाणिज्यिक अनाज बनाने का अभ्यास करता है? वाणिज्यिक अनाज, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, बताइए क्यों? अर्जेंटीना है, क्योंकि यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड है। कौन सा? पंपास, ठीक है ना, पंपास यहां पर अर्जेंटीना में, इसीलिए। हालांकि ब्राजील में भी लानोस कैंपोस और सेल्वास ये सब है, कि लानोस कैंपोस यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और यहां पर नहीं होता है ग्रेन फार्मिंग। ठीक है, तो बचता क्या है आपका? सी ऑप्शन, अर्जेंटीना, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन है यहाँ पर। चलिए 83 के बाद आ गया है क्वेश्चन नंबर 84 आपकी आंखों के सामने। ग्रेट ग्रेट गाइस ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रज्ञान। हाँ तो टेम्परेट रीजन में ही तो होगा ना, कॉमर्शियल, बिल्कुल वहीं पर तो होगा, जैसे यूएस में है, यूक्रेन में है, हालांकि बंद है पूरी तरीके से 2 सालों से, दो एक साल तो हो ही गया। वेबर का सिद्धांत क्या कहता है? देख लीजिए वेबर के बारे में थोड़ी जानकारी, 1909 में इन्होंने दिया था अपना कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी। तो आगे ये कहते हैं कि भाई हमें मिनिमम लोकेशन, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ढूंढना होगा लोकेशन को, ताकि हम कम से कम लागत लगा करके मैक्सिमम प्रॉफिट बना सके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अरे नहीं, 84 का ए होगा, इन्होंने न्यूनतम लागत की बात की थी ना, ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस किया था वेबर ने, और किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं किया, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस किया, इसीलिए इनका सिद्धांत क्या हो गया? एक्सेप्ट नहीं हुआ वाइडली, इसको है ना डिसएग्री किया काफी सारे स्कॉलर्स ने। देख लीजिए 85, पीजीटी एस्टेट हो जाएगा पिंकी, बिल्कुल हो जाएगा। हरियाणा के सभी जितने भी यहां पर स्टूडेंट है ना क्लास में लाइव, जितने भी लोग हैं हरियाणा के, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, पीजीटी का जो भी सिलेबस है ना वो बिल्कुल सेम होता है सारे स्टेट का, वही ज्योग्राफी पढ़ना होता है। तो यहाँ की जो क्लासेस है ना वो आप लोग करते रहो, एमसीक्यू क्लासेस, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मैं लेकर के आऊंगा, 12 वाला पेपर खत्म हो जाए उसके बाद। सी सामग्री सूचकांक, मेटेरियल इंडेक्स, एमआई, एमआई, हाँ हाँ यही से इंस्पायर्ड है एमआई ब्रांड, एमआई का फोन जो है यही से इंस्पायर्ड है वेबर से। चलो देखो क्या सही होगा, कच्चे माल और तैयार, जो मतलब एक रॉ मटेरियल और एक जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, दोनों के बीच का रेशियो ही क्या होता है? एमआई होता है, यानी कि मटेरियल इंडेक्स होता है। कहाँ गया? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दौड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाते हैं।
हाँ देखो पीजीटी मैंने नाम लिया ना पीजीटी, तो टेंशन फ्री रहिए, पीजीटी का आएगा, मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। एक एक करके चलते हैं आगे, ये वाला पेपर खत्म हो जाए उसके बाद। हिमाचल असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आ गया है। आयुषी कब पेपर है आयुषी, बताइएगा मुझे, आप तो सब्सक्राइबर भी हैं तो आप मुझे बता देना, सारा डिटेल्स वगैरह शेयर कर देना मुझे आप, ठीक है, सारे डिटेल्स शेयर कर देना, मैं देखूंगा उसे। चलो चलो, दिसंबर के लिए और अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए सेम। देखिए सिलेबस नहीं चेंज होता है, सिलेबस नहीं चेंज होता है, ठीक है, सिलेबस जैसे 10 साल 20 साल में एक बार चेंज होता है, अभी तो चेंज हुआ ना 2019 में ही चेंज हुआ था, अब नहीं बदलेगा सिलेबस, वही रहेगा। क्या है 86 कह रहा है कि आपको है ना, आपको लोडिंग अनलोडिंग करना है, पेपर वर्क करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल है। किसने दिया था? हूवर ने दिया था, E.M. हूवर ने दिया था अपनी बुक द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। लॉस आ गए, कई बार ऐसा होता है कि लॉस और वेवर एक साथ आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, और क्रिस्टलर भी कई बार आ जाते हैं। चलिए लास्ट 13-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आवश्यक रूप से न्यूनतम परिवहन लागत नहीं हो सकता भाई, कई बार ऐसा होता है कि लीस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट जो है कॉस्ट बढ़ता है घटता है वो हो सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने कुल लागत उत्पादन पर अधिक जोर दिया, उन्होंने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर फोकस किया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, इग्नोर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के ऊपर फोकस ही नहीं किया, कहा कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करिए, प्रॉफिट अपने आप होगा, ट्रांसपोर्ट में जो पैसा लगना होगा लगेगा, है ना। सही है, ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। 54 में इन्होंने क्या किया था, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी में उन्होंने कहा था कि लीस्ट कॉस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अर्बन इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन, और हमें फोकस करना चाहिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, लास्ट के क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, दिमाग को शांत रख के आंसर करिए, गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे एग्जाम में भी होगा, लास्ट मोमेंट पे गलतियां होती हैं, बहुत ब्लंडर होते हैं, ठीक है। अभी आपके पास जो भी समय बचा है 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, फोकस करके। क्षेत्रफल लागत वक्र सिद्धांत, यहां जो प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में भी वही होगा ना, इसीलिए आशीष देखना होगा, थोड़ा सा समय मिलता है तो देखता हूँ, ठीक है। हाँ आपका मैसेज मिल गया मुझे आशीष, थोड़ा समय मिलता है तो मैं देखता हूँ, ठीक है, परेशान मत होइए। लागत वक्र सिद्धांत किसका दिया हुआ है, लागत वक्र सिद्धांत है डीएम स्मिथ का। इन्होंने एरिया कॉस्ट, कॉस्ट कंटूर लाइन पहली बार इस्तेमाल किया था इस स्कॉलर ने, इन्होंने पहली बार 1966 में अपनी बुक थी इंडस्ट्रियल लोकेशन, पहली बार इन्होंने कंटूर या आइसोप्लेथ का इस्तेमाल किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्मिथ का मॉडल है ये 89। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। डेटा खत्म हो गया, मेरे वाईफाई का पासवर्ड ले लो।
मेरे वाईफाई का पासवर्ड ले लो, मेरा मोबाइल नंबर ले लो, सब लोग कनेक्ट कर लो और अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई से क्लास करो। चलो, यदि लागत स्थिर है और मार्जिन जो है वो क्या है, थ्योरेटिकल मॉडल दैट स्पेशल मार्जिन टू प्रॉफिटेबिलिटी इफ कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट द शेप रेवेन्यू कर्व वुड बी, क्या हो जाएगा अगर अगर जो कॉस्ट है वो एकदम से कॉन्स्टेंट हो, तब क्या होगा, कैसा बनेगा, वो ए के शेप का बनेगा, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसमें आपका जो कॉस्ट है ये है और ये आपका आउटपुट है, ठीक है, कॉस्ट की लाइन क्या है, कॉन्स्टेंट है ये और ये आपका आउटपुट है बेस्ड ऑन लोकेशन। ध्यान रखिए स्मिथ का मॉडल है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 9-0, पासवर्ड गलत बता रहा है, ऐसे कैसे गलत बता रहा है, देखो ध्यान से, वाईफाई सही है ना, किसी दूसरे का तो नहीं कनेक्ट हो गया है। नहीं, बहुत अच्छी स्पीड है मेरे यहाँ, 500 Mbps की स्पीड है, कोई लो नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, काम चल जाएगा अपना। स्थानिक अंतर क्रियाओं के सैद्धांतिक मॉडल को किसके द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाता है, स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल है ये, ठीक है, एडवर्ड उलमैन का मॉडल है जिन्होंने दिया था ये स्पेशल इंटरेक्शन का मॉडल, बताते हैं कि कैसे एक प्लेस दूसरे प्लेस से टकराते हैं अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए 91, बहुत बढ़िया, लास्ट 10 क्वेश्चन, अमेरिकन डिलमा, अरे मैं रेंज से बाहर कहाँ हूं, मैं सबके रेंज में हूँ, लाइव क्लास में हूँ, आपके आमने सामने 1-to-1 इंटरेक्शन। रॉन्ग कॉन्टेक्ट, चलिए ठीक है। देखो अमेरिकन डिलेमा जो बुक लिखी गई है बहुत ही शानदार बुक है और इसमें बेसिकली वर्णन किया गया है, डी ऑप्शन, इसमें बेसिकली वर्णन किया गया है जो अमेरिका का उस वक्त का ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट था, वहां का जो पूरा है ना एक सोशल जो प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर गुन्नार मिर्डाल ने बेसिकली फोकस किया था 1944 में, कम्युलेटिव कॉजेज एंड थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसी में देखने को मिलते हैं। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए 92, लास्ट तक रुके रहिएगा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, जिन लोगों का सेंटर नोएडा है, जो लोग नोएडा या दिल्ली एनसीआर नोएडा के आसपास हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, आई वुड लव, आप लोग आइए बेशक, एग्जाम दीजिए उसके बाद आइए, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, एनीवन कैन कांटेक्ट दोज हु आर रोमिंग अराउंड द नोएडा और दिल्ली एनसीआर। एक दुष्चक्र क्या हो सकता है, अ वीसियस सर्कल क्या हो सकता है, अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको रिमाइंड करा देगा सब कुछ। डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन कि नए प्रॉब्लम को क्रिएट करता रहे करता रहे करता रहे, है ना, नए प्रॉब्लम को ये क्या करता रहेगा, क्रिएट करता रहेगा, एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अगर आप JRF नहीं होंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे तो लाइफ में सेट नहीं हो पाएंगे, सेट नहीं हो पाएंगे तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बवाल होगा घर में, है ना, जीवन भर अकेले रहना पड़ेगा,
तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, इसलिए पहले JRF करिए, है ना, तभी नौकरी मिलेगा। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93। चाय तैयार तभी मिलेगा, सही बात है, नहीं तो बनाना पड़ेगा। देखो, अरे पेपर एक साथ होगा, कहाँ है, कहाँ सो रहे हैं आप। पार्ट वन और पेपर टू, पार्ट टू दोनों एक साथ 3 घंटे के अंदर अंदर लगातार होगा, कोई गैप नहीं। 180 मिनट आपको मिलेंगे, 150 क्वेश्चन करना रहेगा। 150 क्वेश्चन, हाँ, 100 क्वेश्चन पेपर टू, 50 क्वेश्चन पेपर वन से। ऑनलाइन CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलो देखो क्या सही ऑप्शन होगा इसका। चरण 1, 2, 3, 4 है, ये इंडस्ट्रियल मॉडल है। सही है सी ऑप्शन, राइट, पूर्व औद्योगिक संक्रमण कालीन, ठीक है, औद्योगिक और औद्योगिकरण के बाद, सी ऑप्शन करेक्ट है। किसका मॉडल था ये? स्पेशियल मॉडल है किसका? ये मॉडल है जॉन फ्रीडमैन का, 1966 में दिया था, ठीक है। जॉन फ्रीडमैन का 4 मॉडल, स्पेशियल मॉडल है, 4 स्टेजेस बेस्ड मॉडल है ये। क्वेश्चन नंबर 94, अंतिम 6 प्रश्न, लेट तो नहीं है हम लोग। चलिए 5 मिनट और, ठीक है, 5 मिनट और बस हो जाएगा फटाफट। अरे जीवन में बवाल तो आता ही है। नहीं, विनीता पहली बार जो है ना, हेरोडोटस ने ही डिवाइड किया था फर्स्ट टाइम, लेटर ऑन हिकेटियस ने भी किया था, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए ये कह रहे हैं, रॉल प्रेबिश के अनुसार जो अविकसित पूंजीवादी, बेसिकली ये कैपिटलिस्ट को जो अंडर डेवलप्ड रीजन है उनके शोषण के ऊपर बताते हैं कि जो उनका रिसोर्स है, ये विकसित राष्ट्र क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, श्रम का शोषण करते हैं, संसाधनों का शोषण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये कह रहे हैं कि जो पेरिफेरी है वो कोर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, इसलिए हमेशा क्या रह जाती है, अंडर डेवलप्ड रह जाती है। यानी कि सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, दोनों करेक्ट हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए फटाफट 95 नंबर क्वेश्चन। लास्ट लास्ट क्वेश्चन, देखिए 5 क्वेश्चन और हैं लास्ट के, हिम्मत बनाए रखिए, 5 क्वेश्चन और करना है, उसके बाद सोना। नींद को बोलो 2 मिनट बैठे बगल में आराम करे, वो भी ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट करे। नींद को बोलो, वो भी भाग जाएगी नींद छोड़ करके। वॉन थ्यूरियन का मॉडल किस मौलिक सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। रतन बाला कुमारी, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, एक सेशन करूंगा, बताऊंगा मैं आप लोगों को कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, वो तो मैंने सोच रखा है, उसके ऊपर अलग से होगा, एकदम निश्चिंत रहिए, अभी फिलहाल क्लास करिए। देखो ये बात कर रहे हैं किसकी, ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि हम मौलिक सिद्धांत ये है कि जो किसान है वो सभी अपने उत्पाद, है ना, अपने केंद्र के आसपास स्थित बाजार में बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? बाजार में। मौलिक सिद्धांत तो यही है, मोहन तो यही कहते हैं ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, लास्ट में जो कॉम्प्रिहेंशन आता है कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन यहां पर कॉम्प्रिहेंशन कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, कॉम्प्रिहेंशन ही इतना बड़ा रहेगा, क्वेश्चन कहाँ रखूंगा मैं, तो टाइम लगेगा देखने में, इसलिए, है ना, बाकी करवाया हुआ है मैंने।
चलिए शाबाश, लास्ट के तीन चार क्वेश्चन और हैं। देखिए, भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया था हेल्फर्ड मैकिंडर ने इतिहास की भौगोलिक धुरी में क्या वर्णन किया था, है ना? इन्होंने आउटलाइंग आइलैंड, ऑफशोर पीवर्ड और वर्ल्ड आइलैंड, सभी ये चारों का इन्होंने विभाजन किया था, स्पष्ट रूप से विभाजन किया था। ठीक है, स्पष्ट रूप से विभाजित था। 97, देखिए नींद आ रही है, सो जाइए, फिर नींद आ रही है तो। आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई मुझे पता है, मैं 10 बजे रखने वाला था लेकिन मैंने 9:30 बजे रखा। ठीक है, कल की क्लास जल्दी होगी, मैं बताऊंगा आप लोगों को, निश्चिंत रहिए। एक मानचित्रकार क्रमशः ग्रामीण और शहरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टेनडिगियर विधि का और स्फेयर विधि का उपयोग करता है। क्रमशः ग्रामीण के लिए स्टेनडिगियर और शहरी के लिए स्फेयर मेथड। तो स्टिल जेन बोर विधि जो है वो वृत्ताकार आरेख के माध्यम से शहरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखो ये बिल्कुल सही है, ये जो है ना ये शहर को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होता है, और रूरल एरिया को दिखाने के लिए हम स्टेनडिगियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर डॉट मेथड के थ्रू हम दिखा सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अंतिम तीन प्रश्न फटाफट दौड़ते हुए करते हैं। जनसंख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसकी जनसंख्या कम, उसके बाद सबसे ज्यादा वाला। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, गोवा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। देख लीजिए, गोवा की पॉपुलेशन 14 लाख समथिंग है, ठीक है। उत्तराखंड 1 करोड़ के आसपास है, जम्मू कश्मीर 1.2 और दिल्ली 1.6 करोड़ के आसपास है। तो ये था इनका असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। हाँ मैंने लिखा ना अपना कांटेक्ट डिटेल यहां पर, जाहिर सी बात है कि आप ही कांटेक्ट करोगे ना, मैं कैसे कांटेक्ट कर पाऊंगा। तो ये कांटेक्ट नंबर है मेरा, डिस्क्रिप्शन में भी है सारा डिटेल, ठीक है। चलिए साक्षरता को आरोही क्रम में बैठा देते हैं फटाफट, चलिए बैठाते हैं इसको फटाफट। आरोही क्रम में देखिए हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और पंजाब, यानी कि बी ऑप्शन। देख लीजिए इनका क्या हो जाएगा, झारखंड 66% पर है, छत्तीसगढ़ 70% पर है, असम 72% और पंजाब यहाँ पर सबसे अधिक शिक्षित है, 72.84 इन सभी स्टेट्स में, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए आज का 100वां प्रश्न, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए आप सभी लोगों के लिए, है ना? बहुत अच्छे, जितने भी लोग रुके हैं यही सही सच में मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, जो सच में मेहनत कर रहे हैं, जो सच में रियल में पूरे तन मन धन से लगे हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं, आप लोग का एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। दशकीय वृद्धि दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, है ना? डिकेडल ग्रोथ रेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाइए फटाफट। देखिए यहाँ पर अवरोही मतलब डिसेंडिंग, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए, एक स्टेट, एक से एक एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, इसका आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड। देख लीजिए जम्मू कश्मीर का 23.64 है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिल्ली का 21.21 है और हरियाणा का 19.90 है और उत्तराखंड का 18.81 है, जम्मू कश्मीर का काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और इस तरीके से हम लोगों ने कर लिए 100 क्वेश्चन सॉल्व, 100 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिया, आज का टेस्ट जो है अपना सफल रहा, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए जरूर बताइए कमेंट करके सब लोग, क्योंकि तभी पता चलेगा कि बाकी लोगों के साथ आप कहाँ पर ठहरते हैं, ठीक है। आज का क्लास अगर पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इस क्लास का, ठीक है। कल हम लोग एक और लाइव टेस्ट करेंगे,
और वो लाइव टेस्ट कहाँ होगा? वो लाइव टेस्ट यहीं पर होगा, अपने इसी चैनल पर होगा, क्योंकि 2 घंटे की क्लास सभी लोग कर पाएंगे, है ना। आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 2 घंटे की क्लास सभी लोग कर पाएंगे, तो हम लोग 100 क्वेश्चन और 120 मिनट की लाइव क्लास यहीं पर करेंगे। मैं आप लोग को टाइम बताऊंगा कल का, कल कितने बजे करेंगे, जब भी करेंगे कन्वीनियंट टाइम पे करेंगे, लेट नाइट नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू देन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाना, ठीक है। चलिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सब ज्वाइन करिए उस ग्रुप को, वहीं पर पीडीएफ आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं लाइव टेस्ट के साथ चैनल पर, टाइम मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये 2 लाइव टेस्ट करके आप लोगों को बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी, अगले दिन आपका एग्जाम है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। आशीष, मैं प्रयासरत हूं लगातार, देखिए मैं प्रयासरत हूं, समय की बड़ी पाबंदी होती है, समय का बड़ा अभाव होता है, इस कारण से कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं। कुछ समय के पश्चात मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए, है ना, कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आऊंगा, ताकि आप लोगों का भी तैयारी प्रिपरेशन वगैरह हो सके हर एग्जाम के लिए, जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू देन, बाय बाय, गुड नाइट। चाहिए आप लोग आराम करिए, और कल वाले टेस्ट की तैयारी कल करिएगा, ठीक है, चलो बाय बाय।